कई नेता जो हैं मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं। अभी हाल ही में जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार की तारीफ की। अब इसी में एक और नेता शामिल हो गए हैं जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, जिन्होंने कहा है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बीते 6 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया उस पर भी बात होनी चाहिए और उनको सिर्फ आलोचना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन्होंने जो बेहतर काम किए हैं उसको लेकर भी बात करनी चाहिए। अचानक से शशि थरूर के तेवर इतने बदले क्यों नजर आ रहे हैं? ये वही नेता हैं जो अभी हाल ही में धारा 370 को लेकर, जिन्हें सोनिया गांधी ने जिम्मेवारी सौंपी थी कि आप बीजेपी को घेरिए, और ये बोलते हुए नजर आए थे बीजेपी के खिलाफ, आज यही नेता जो हैं पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्या इसके पीछे सुनंदा पुष्कर, जो कि उनकी पत्नी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, 2014 में उनकी मौत हो गई थी और मौत भी काफी सस्पिशियस तरीके से हुई थी, रहस्यमय तरीके से हुई थी। इस पर दिल्ली पुलिस ने खुद शशि थरूर को एक कटघरे में खड़ा कर दिया था कि उन्होंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया था, हालांकि शशि थरूर ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब केस जो है जिस लगातार अभी हाल ही में इस पर अपडेट भी आई थी कि उनके शरीर पर, सुनंदा पुष्कर के शरीर पर 15 चोटों के निशान मिले थे, यानी कि क्या शशि थरूर जो हैं इस केस में आने वाले वक्त में उन पर कोई आफत आ सकती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और क्या इसी के मद्देनज़र उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करने का फैसला लिया है, या फिर कोई और वजह हो सकती है, या फिर वो भी अब कांग्रेस से बोर हो चुके हैं। बात करूंगी एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर के साथ। सर आपका स्वागत है। शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है, वजह क्या है? बिल्कुल गायत्री, और ये जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कांग्रेस नेताओं को हुआ है कि सब मोदी के मुंह में कुछ इस तरह से रम गए हैं कि वो लगातार उनकी जो फहरिस्त है, उनकी जो लिस्ट है इस जो तारीफ करने वाले नेताओं की, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और नया नाम इसमें जुड़ा है शशि थरूर का। बिल्कुल, जो केरल से आते हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, और बड़े वरिष्ठ नेताओं में से उनको शुमार किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने बात रखी, उन्होंने ये कहा है अचानक कि भाई मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि भाई उनकी अच्छी चीज़ों की तारीफ होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, लेकिन ये सब जो राग अलाप रहे हैं ये तुरंत कुछ दिनों का मामला है, कुछ दिनों से ये शुरुआत हुई है, और ना सिर्फ जो है हम 370 के बाद की बात करें बल्कि पहले से भी कुछ इस तरह की चीज़ें बनती चली जा रही थी कि लगातार जो कांग्रेसी नेता हैं, खासकर बड़े नेता, वो लगातार मोदी की तारीफ करने में बिजी हो गए। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर सकते हैं, मनु सिंह भी की आप बात कर सकते हैं, खुद चिदम्बरम ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए मोदी का के बारे में कहा था। उसके अलावा जो है हाल ही में जयराम रमेश ने जिस तरह से बात कही, उसके बाद अब शशि थरूर का बयान आना, तो जाहिर बात है ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर हम बात कर सकते हैं। जो केस के बारे में आप बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर सकते हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर ये मामला है और आने वाले दिनों में मुश्किल उनकी बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं तार तो कोई ना कोई सुगबुगाहट होती है, उसके बाद ही इस तरह की बात निकल कर सामने आती है। और अब जब कांग्रेस का जो धड़ा है, जो बहुत मजबूत धड़ा जिसको हम कह सकते हैं, जो वरिष्ठ नेताओं का धड़ा है और खासकर जो कांग्रेस के बचे हुए नेता हैं उनका धड़ा है, वो भी जो बचे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक तरह गाइडलाइन है, उनका जो एक बना, जो उनके पैटर्न बनाया, वो उससे हटकर, लीक से हटकर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कम से कम कांग्रेस को तो मुश्किलों में जरूर डाल सकता है। भले ही मोदी के लिए तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि चलिए अब विरोधी भी उनके समर्थन में उतर आए हैं, विरोधी भी उनकी जो है तारीफ करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल का सबब हो सकता है, क्योंकि देखिए बड़े नेता अगर इस लिस्ट में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कांग्रेस के लिए विचित्र स्थिति हो सकती है। कांग्रेस आखिर करे क्या जो इन नेताओं पर कार्रवाई करे, या फिर इन नेताओं के साथ खड़ी हुई नजर आए, या फिर जो उनके खिलाफ कोई स्टैंड ले, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर बात हो सकती है। लेकिन हाँ, जरूर इस जिस तरह से फहरिस्त में नाम बढ़ते चले जा रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय कांग्रेस के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह इन नेताओं को भी हाल वैसे ही हो जाएगा क्या, जैसे कि उनको भेज दिया गया मध्य प्रदेश से बाहर? जी बिल्कुल, और देखिए पार्टी की एक विचारधारा होती है, पार्टी की गाइडलाइन होती है, उसके अनुसार ही पार्टी को काम करना पड़ता है, और जाहिर बात है अगर आप पार्टी के खिलाफ जाकर काम करेंगे, पार्टी की चीज़ों के खिलाफ जाकर कुछ बयानबाजी करेंगे, तो पार्टी उस पर जरूर संज्ञान लेती है। लेकिन मैं ये जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आखिर पार्टी किस किस पर संज्ञान ले, क्या वो एक पे ले, दो पे ले, तीन पे ले, चार पे, आखिर सबका कहीं ना कहीं जो स्टैंड है वो 370 पर बड़ा मोदी जी के पक्ष में। सहमति कैसे आ गई, सहमति है या डर है? बिल्कुल, और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ छोटे नेता बल्कि बड़े नेताओं की अगर जमात करें तो वो बहुत ज़्यादा उतावला होकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि अब तक वो सब खामोश थे, कहीं कोई जिक्र नहीं था। जयराम रमेश कहाँ थे किसी को कुछ पता नहीं था अभी तक, शशि थरूर खुद बयानबाजी करने से बच रहे थे, उनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन हाँ, जिस तरह से अब लगातार एक के बाद एक सामने जो चेहरे आ रहे हैं, सामने जो नाम आ रहे हैं, वो शायद कांग्रेस ज़रूर परेशान कर रहे होंगे कि आखिर वो करे तो करे क्या 370 पर बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए, या उनकी और जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ में
खड़े हो जाए, उज्ज्वला योजना की कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नजर आते हैं, अच्छे कामों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर वो अच्छे काम क्या ये कोई नहीं गिनवा रहा है, जिक्र करके सब खत्म हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं। तो ये जो विचारधाराओं का खेल है वो कम से कम कांग्रेस के नेताओं को अब जरूर परेशान कर रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि एक धड़ा पूरी तरह से कहीं ना कहीं मोदी भक्त या मोदी मैं नजर आता हुआ है, मोदी मैं नजर होता हुआ आ रहा है। और तो शशि थरूर भी इसमें जुड़ गए हैं उनके भक्तों की कैटेगरी में, और कह क्या रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मैं छह साल से दलील दे रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कोई सही काम करते हैं, सही बात करते हैं, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, और जब वो कुछ गलत करे तो हम उनकी आलोचना करें, तब उसकी विश्वसनीयता रहे। मैं विपक्ष के अन्य लोगों से इस राय पर सहमति के लिए स्वागत करता हूँ जिसके लिए मेरी उस समय आलोचना की गई थी, क्योंकि जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी का समर्थन किया है शशि थरूर ने। देखिए गायत्री, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी का स्टेटमेंट कोट कल भी कह रहे थे प्रोग्राम में, कि जिस तरह से लगातार वो न सिर्फ पीएम को चौकीदार को चोर बोल रहे थे और इस तरह की तमाम भाषा शैली लगातार उस पर सवाल उठे बाद में, और हो सकता है उसी का एक बानगी ये हो कि हम हर समय हर वक्त जो जयराम रमेश ने भी उनके बारे में कहा कि हम खलनायक की तरह उनको विलन की तरह पेश नहीं कर सकते, हर समय अपने पीएम को हम अनाप शनाप बातें नहीं बोल सकते, तो ये जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव जो चेंज हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बीजेपी के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई लेकिन बीजेपी सरकार प्लस सीटों के साथ में पावर में वापस लौटी, इसका मतलब ये है कि मतदाताओं का रुझान भी कहीं ना कहीं मोदी के प्रति ज्यादा है और ज्यादा वो पसंद करते हैं मोदी को। तो हो सकता है कि उनके खिलाफ ना बोलकर पार्टी के खिलाफ बोलने की रणनीति अब बने पार्टी में, क्योंकि मोदी के खिलाफ जिस तरह से कोई नहीं बोलने को राजी हो रहा है, खासकर जो बड़े नेता हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी जरूर होना चाहिए। तो ये एक अलग तरह की विचारधारा है, क्योंकि अगर परसों को आप सोनिया गांधी का स्टेटमेंट सुने तो वो खुद कह रही हैं कि राजीव गांधी बहुत बड़े समर्थन के साथ में पावर में थे लेकिन उन्होंने कभी अपनी पावर को हेकड़ी में नहीं बदला, यानी किसी को डराया धमकाया नहीं, इशारा था। और ऐसे वक्त में जब सोनिया गांधी कुछ और बात करें तो वहीं जो है उनके वरिष्ठ जो नेता हैं वो लगातार पीएम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अलग तरह की विचित्र स्थिति मेरे ख्याल में बनी हुई कांग्रेस में, क्योंकि मिला जुला के कुछ ही बड़े नेता बचे हैं कांग्रेस में, उनका लेकर भी आपस में इस तरह का मतभेद नजर आए तो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के लिए बहुत विकट स्थिति कही जा सकती है। वाकई कांग्रेस के लिए बहुत विकट स्थिति कही जा सकती है, और शशि थरूर ने जिस तरह से पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की है और उनकी तारीफ की है, बीजेपी को क्या किस नज़रिए से देखना चाहिए? क्या अब वो जिस तरह से लगातार जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी और थरूर ने तारीफ की है, क्या सिंधिया की तरह इनको भी प्रस्ताव देंगे कि आप भी बीजेपी में आ जाइए? बिल्कुल, और देखिए बीजेपी को तो बैठे बैठाए एक मुफ्त में उनकी पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि अगर इस तरह की अच्छी चीज़ें अगर लोगों के बीच जाएंगी जो खासकर विरोधी अगर उनके बारे में तारीफें करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए तो ये दोनों हाथों में लड्डू जैसी बात है कि दोनों हाथों में लड्डू उनके आ गए, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या अब जो लड्डू दोनों कांग्रेस के बीजेपी के हाथ में आए, क्या कांग्रेस इसको देने में लगी हुई है, क्या कांग्रेस नेता इसको देने में लगे हुए हैं? बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ढिलाई का कारण ये हो सकता है गायत्री की एकाध नेता हो तो कार्रवाई की जाए, इसमें तो चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो या मनु सिंह भी हो या शशि थरूर हो, बीजेपी छोड़ कर लेकिन ये तीनों नेता तो बिल्कुल, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो मोदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनके प्रेम में कहीं ना कहीं बंध रहे हैं, उनकी तारीफ करने में कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी जमात है कांग्रेस जो निकल कर सामने आ रही है, और ये वो भरोसेमंद चेहरे हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए हर मुद्दे पर खड़े रहे हैं, चाहे अगर आपको ध्यान नोटबंदी के ऊपर चाहे किसी भी मुद्दे के ऊपर, ये ठोस होकर खड़े रहे हैं, ठोस होकर मोदी सरकार की आलोचना की है, लेकिन अब जब जिस तरह से जो सबको खड़े होकर सरकार का साथ विरोध करना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए, वहीं अब ये लड़खड़ाकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार के भक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई मोदी सरकार के भक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये भक्ति का रिजल्ट उन्हें सोनिया गांधी क्या देती हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सितारे जो चरम पे होते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो कि धुर विरोधी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की, उसी के बड़े बड़े नेता अब पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं, बाकी सोनिया गांधी के लिए बहुत मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में, देखना होगा सोनिया गांधी कैसे इन समस्याओं से निजात पाती हैं। नमस्कार दर्शकों।